नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जियो पोज प्लस को लॉगिन करते समय यदि आपकी स्क्रीन पर भी एरर शो करे चेक एमुलेटर फेलियर का, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। और यदि आपने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। और यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप फेसबुक पेज पर भी हमसे मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं, हम आपकी वहां से भी पूरी मदद जरूर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिसे करने के बाद आपका जो है चेक एमुलेटर फेलियर का ऑप्शन जो है खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल की सेटिंग में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की सेटिंग में, आप देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पर ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको जियो पोज प्लस सर्च कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही जियो पोज प्लस यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने जियो पोज प्लस शो करता है, सिंपली आपको यहाँ पर एक बार टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पर जो है आपको सबसे नीचे ये दिख रहा होगा स्टोरेज, तो सिंपली आपको गाइस करना क्या है कि स्टोरेज के ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप स्टोरेज के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं क्लियर कैश और क्लियर डेटा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लियर कैश करेंगे और क्लियर डेटा करेंगे। तो दोस्तों जब आप इस प्रोसेस को दोहरा लेंगे तो ज़्यादातर जितने भी एरर होते हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो सिंपली आपको दोस्तों जाना क्या करना है, अपने जियो पोज प्लस को लॉगिन करके देखना है। यदि आपका फिर भी नहीं होता तो दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ, फिर दिखाते हैं आप। तो दोस्तों आपने देखा, हमने आपको पहला तरीका बताया, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यहां पर जो आपको करना क्या है, यदि आपका जियो पोज प्लस का नया वर्जन नहीं है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने जियो पोज प्लस को अपडेट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो लगभग खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका दोस्तों ये है, जैसे कि मान लीजिए आपके हैंडसेट, मैंने जो है इस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर केयर से भी बात की थी, तो दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि ये कंपनी की तरफ से एक इश्यू चल रहा है कुछ रिटेलरों के हैंडसेट डिवाइस को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने क्लियर बताया कि जियो पोज प्लस कुछ मोबाइलों में वहां पर का वर्क नहीं कर रहा है, जिनको चेक एमुलेटर फेल का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने साथ के साथ ये भी बताया कि जियो टीम इसके ऊपर काम कर रही है, कुछ अभी कुछ ही दिनों में इसको खत्म कर दिया जाएगा, इस प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया जाएगा, इसका सलूशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको करना क्या है, बस आपको जो आपका मोबाइल फोन है किसी भी कंपनी का है, मुझे पिछली वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर चेक एमुलेटर फेलियर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो गाइस यहाँ पे जो है लास्ट सोल्यूशन यही है कि आपको जो मोबाइल है वो आपको चेंज कर लेना है, या तो आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर का या भाई का या अपने पिता का, जिसके पास भी जो जिन किसी के पास भी एक टच मोबाइल है आपको उनसे एक्सचेंज कर लेना है। तो गाइस आप जब उसमें जियो पोज प्लस को लॉगिन करोगे तो आप काफी आसानी से चला पाओगे और कुछ दिनों बाद दोस्तों इसका सलूशन हो ही जाएगा, यहाँ पर जियो टीम जो है इस पे काम कर रही है। तो दोस्तों आप यदि इस प्रोसेस को कर लेते हो तो आप आसानी से चेक एमुलेटर फेल का जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन सभी जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम सलूशन दिए हैं इनमें से आपको कौन सा पसंद आया है और कौन सा आपको पसंद नहीं आया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।